प्रचार प्रसार करते हैं संप्रदाय का, एक नॉर्मल लेवल पे। कोई रेवोल्यूशन नहीं होता, कोई नया डायमेंशन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्क है आचार्यों में। एक एक जैसे प्रभा कहते थे, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, दैट्स अ पॉइंट देयर। श्रीला प्रभुपाद ने मैसेज वही है बट डिफरेंट तरीके से टाइम प्लेस सर्कमस्टांस प्रेजेंट किया जा रहा है, और प्रेजेंट करके से ऐसे ही नहीं किसी का प्रेजेंट किया जा रहा है, उस चीज़ को वर्ल्ड वाइड प्रोपोगेट भी किया जा रहा है। भक्ति सांस ठाकुर ने गौड़िया वैष्णविज्म को पूरे इंडिया में प्रोपोगेट किया, 64 गौड़िया मठ। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस मूवमेंट को दोबारा से पुनर्जीवित किया। भक्ति विनोद ठाकुर के पहले महापुरुष का मूवमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, या तो ख़त्म हो गया था या उसकी शेप बिगड़ चुकी थी। अपर संप्रदाय वाले लोग आ गए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स क्या है। मोस्टली भक्ति विनोद ठाकुर के आने से पहले, लोग ये समझते थे कि चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट एक सहजिया मूवमेंट है, गाना गाते रहते हैं, बंगाली गाने गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, लड़कियां रखते रहते हैं, भांग पीते रहते हैं, बस यही हो गया चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट। फिलॉसफी बाहर थी, आउट ऑफ द वे थी। तीन हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में तीन बार वैष्णव परंपरा में अंधेरा छा गया, तीन बार। उसको कहते हैं डार्क एजेस। सुना ना डार्क एजेस कॉन्सेप्ट होता है, मतलब 300 या 400 एडी, एडी कैसे कहेंगे, शताब्दी, शताब्दी से लेकर 1300 शताब्दी तक, या 1300-1400 तक, ये जो पीरियड है। मॉडर्न हिस्ट्री देखोगे कितने साल, कितने हो गए, मतलब हज़ार साल, कम से कम हज़ार साल यूरोप में डार्क एजेस कहा जाता है। कुछ भी नहीं हो रहा था यूरोप में, इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। 13वीं-14वीं शताब्दी में फिर दोबारा से यूरोप उठा। तो जीरो एडी से लेकर 400 एडी तक यूरोप बहुत ऊपर था, रोमन एम्पायर था, क्रिश्चियनिटी थी, मगर उसके बाद धीरे धीरे यूरोप ख़त्म हो गया, फिर इस्लामिक वर्ल्ड बढ़ गया, और उसके बाद 1314 में रेनेसेंस आया, जो भी है, फिर ऊपर पड़ा। तो बीच में जो पीरियड हुआ यूरोप का, उसको कहते हैं डार्क एजेस, जब कुछ नहीं हो रहा था वहाँ, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई एडवांसमेंट नहीं। ऐसे ही हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में तीन डार्क एजेस आई हैं। तीन बार हमारी गौड़िया संप्रदाय नीचे गई है, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई। एक डार्क एज आई थी षड गोस्वामियों के बाद, रूप सनातन रघुनाथदास, रघुनाथ भट्ट, श्री जीव गोपाल भट्ट, उनके जाने के बाद जीवा गोस्वामी चले गए तो पूरा क्योस हो गया। बल्कि जीवा गोस्वामी को पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए जीवा गोस्वामी ने जो अपनी आखिरी विल लिखी है, विल कैसे कहेंगे हिंदी में, वसीयत, हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहली वसीयत जीवा गोस्वामी ने शुरू की थी, वसीयत लिखना। बाय द वे, ही वॉज अ गुड मैनेजर। लीगल वसीयत, पहले बोल बोल के चलता था कि ऐसे हो जाएगा, लीगली उन्होंने शुरू किया है। तो वो वसीयत आज भी हमारे पास है, रिकॉर्ड है उसका, उसकी कॉपी राधारमन गोस्वामी मंदिर में पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। उसका एक पोर्शन का जो प्रिंट है वो भक्ति रत्नाकर में है, थोड़ा सा, बट ओरिजिनल कॉपी वहाँ है। और वहाँ पे जीवा गोस्वामी ने लिखा है, उस वसीयत में लिखा है कि मेरे बाद एक डिवोटी था कृष्णदास, उनके कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं, उनके राइट हैंड थे, जो कि कृष्णदास तो राधा गोविंद मंदिर भी संभाल रहे थे, मैनेजमेंट में थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद कृष्णदास संभालेगा सारी ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने लिखा कि अगर कृष्णदास पागल हो गया और डिबेट हो गया तो दूसरा संभालेगा, मतलब ही कुड एनविजन कि लोग पागल हो सकते हैं और हो जाते हैं। और हुआ भी, आई मीन टू से कृष्णदास, मुझे नहीं पता उनके क्या हुआ हिस्ट्री, बट हमारी परंपरा बहुत एक नीचे चली गई, बहुत अंधेरा छा गया वृंदावन में। सारे जो हमारे मंदिर हैं थोड़े से
मतलब इधर उधर से डाकू बाकू आ गए, गुंडे आ गए, वृंदावन में लोग आना डरना डर रहे थे कि वृंदावन में कहाँ जाएंगे, ऐसी हालत हो गई। जीवा गोस्वामी के साथ सब फैक्ट चल रहा था। तो उसके बाद ये लोग आए, कौन आए, विश्वा चक्रवी ठाकुर वृंदावन आए और उन्होंने देखा ये तो हालत ही ख़राब है, जैसे खेत को छोड़ दो ना खाली तो बड़ी बड़ी घासें नहीं उग जाती, सब जंगल बन जाता है, इतना जंगल बन गया। सब भूल गए जीवा गोस्वामी की टीचिंग्स, नरोत्तम श्यामानंद कौन है, वो तो बंगाल में है, सब कुछ भूल गए। हरियाणा अमृत व्याकरण संदर्भ कोई मतलब नहीं था, सिर्फ डाकू और ये सब चल रहा था। विश्वा चक्रवी ठाकुर आए, श्रीनिवास आचार्य जी की बेटी हेमलता ठाकुरानी, शी केम, हेमलता ठाकुरानी की फ्रेंड थी कृष्णप्रिया, वो थी वहाँ, बहुत बड़े परिवार से थी। ये लोग आए, तो ये लोग पहले आ गए थे, हेमलता ठाकुरानी कृष्णप्रिया ये लोग आ गए थे, मगर ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फीमेल्स थी, वहाँ पे सारे मेल्स, हाउ डू यू हैंडल, तो वेट कर रहे थे। तो जीवा गोस्वामी के जाने के बाद नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य तो बंगाल चले गए। एक डार्क पीरियड आया था, बहुत बड़ा डार्क एज, जिसको संभालने के लिए फिर हेमलता ठाकुरानी कृष्णप्रिया आ गई थी, मगर उनसे संभला नहीं, और मतलब इतना हो गया कि हाँ उनसे संभला नहीं। और वहाँ पे एक व्यक्ति था रूप कविराज, उसने पूरी डिबेशन शुरू कर दी, वहाँ पर कुछ नहीं संभला, उन्हें संभालने की कोशिश की, एक डार्क एजिस था, थोड़ा सा फिर उन्होंने संभाला, थोड़ा सा ऊपर लेके आया परंपरा को, मगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, और फिर से नीचे चली परंपरा, और फिर दूसरी डार्क एज आई जिसमें फिर विश्वा चक्रवी ठाकुर आए वृंदावन, ये दूसरी थी। विश्वा चक्रवी ठाकुर के साथ उनके राइट हैंड बलदेव विद्याभूषण आ गए, बलदेव विद्याभूषण जी के गुरु नहीं है विश्वा चक्रवी ठाकुर, शिक्षा गुरु हैं। बलदेव विद्याभूषण के दीक्षा गुरु कौन है, हाँ राधा दामोदर जी है ना। तो ये आए, इन दोनों ने मिलकर फिर से गौड़ीय संप्रदाय को ऊपर उठाया वृंदावन में, मगर इनके जाने के बलदेव विद्याभूषण जी और विश्व चक्रवी ठाकुर के जाने के बाद फिर से परंपरा नीचे चली गई, जस्ट वेंट डाउन, और सब भूल गए। मतलब मजे की बात यह है कि देख, सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े आचार्य आए और फिर भी समय ने सब कुछ नष्ट कर दिया, समझ रहे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आप करोगे वो भी नष्ट, वो आप नहीं बचा सकते, उसको कोई नहीं बचा सकता, जो आप करोगे सब खत्म हो जाएगा, ये बद्रिकाश्रम भी खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो ही गया था मगर बच गया। बट लेकिन अभी तो हमारे पास यूट्यूब है प्रभु, और ये सब यूट्यूब रिकॉर्डेड रहेगा ना हमेशा, सब है, पता नहीं, हो सकता है फेथ लूज कर दें लोग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन टू से हिस्ट्री में हुआ है, क्रिश्चियनिटी आई, सब रिकॉर्ड से सबने फेथ लूज कर दिया, रिवोल्ट हो गया, सब हो गया, सबको डिस्ट्रॉय होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो विश्वजीत चक्रवी ठाकुर बलदेव देशों ने बहुत कोशिश की, इनफैक्ट विश्वजीत चक्रवी ठाकुर ऐसे आचार्य जिन्होंने मेजर बुक्स लिखी है हमारी गौड़िया वैष्णवों की, और ईजी संस्कृत में। जीवा गोस्वामी की संस्कृत बहुत मुश्किल थी, अगर आप पढ़ोगे वैसे संस्कृत जीवा गोस्वामी की तो मुश्किल है, विश्वजीत चक्रवी ठाकुर की संस्कृत पढ़ोगी बच्चों की संस्कृत है, दिव्यांशु भी पढ़ सकता है, जानबूझ के उन्होंने ईजी लिखी कि लोगों को एक्सेस मिले। सॉन्ग्स लिखे उन्होंने विश्व चक्रवी ठाकुर का, एक उन्होंने अपना पेन नेम लिखा था हरिवल्लभ दास, उस नाम से उन्होंने कई सॉन्ग्स लिखे, आप कहीं वृंदावन में जाओगे कई सॉन्ग्स गा रहे होंगे हरिवल्लभ कहे, तो वो हमारे विश्व चक्रवी ठाकुर ही हैं। सो क्योंकि राधा रानी ने कहते हैं उनको नाम हरिवल्लभ दिया था, वो अलग स्टोरी है, बट ही डिड अ लॉट, उन्होंने काफ़ी मैनेजमेंट संभाला विश्व चक्रवी ठाकुर ने, बलदेव विद्याभूषण जी ने, कई बुक्स लिखी, कई एडिशंस, मतलब कई ये कहते हैं गोस्वामी की बुक्स एडिट की, प्रिंट की, ही डिड अ लॉट, मगर उसके बाद फिर से वृंदावन ख़त्म हो गया। वृंदावन में एक व्यक्ति थे जगन्नाथ दास बाबा जी, कौन थे ये, बलदेव विद्याभूषण जी के डिसाइपल थे उद्धव दास बाबा जी, उनके डिसाइपल थे मधुसूदन दास बाबा जी, उनके
डिसाइपल कोई थे, उनके ढाबे पर जगन्नाथ बाबा जी थे, ऐसे कुछ था। तो जगन्नाथ दादा ऐसे ही था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो थे उन्होंने थोड़ा सा संभाल रखा था वृंदावन में, मगर अप्पा संप्रदाय वाले गोस्वामी गोस्वामी बहुत कुछ आ गए थे। जगन्नाथ दास बाबा जी के खुद के डिसाइपल्स कमी नहीं निकले, वो खुद के डिसाइपल्स, बल्कि जगन्नाथ बाबा जी इतने परेशान हो गए वृंदावन में रहकर कि कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। उन्होंने कहा भैया हो गया, वृंदावन में जा रहा हूँ मायापुर नवदीप, मैं नहीं रह सकता, गंद है, उनसे संभली नहीं सिचुएशन वहाँ। बट जगन्नाथ दादाबा जी ने हमारी वैष्णव परंपरा को जीवित रखा, इसलिए उनको वैष्णव सार्वभौम कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, अब मैं आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ भक्ति विनोद ठाकुर पे। भक्ति विनोद ठाकुर जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी फिलोसफिकल, जगन्नाथ दादाबा जी से कंसल्ट करते थे। एनीवे जगन्नाथ दादाबा जी नहीं ज़्यादा कर पाए, तो उसके बाद जो डार केज आई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जाने के बाद, डार केज थ्री, उसको उसमें ज्योति लाने के, लाइट लाने के लिए एक व्यक्ति का आविर्भाव हुआ, उनका नाम था केदारनाथ दत्त। ही केम एंड ही वॉज बॉर्न इन, संडे को बॉर्न हुए थे वो, वैसे 2 सितंबर 1838 2 सितंबर। शिला प्रभुपाद बॉर्न हुए 1896, दैट इज कितने साल बाद हुआ है, ओ सॉरी शिला प्रभुपाद क्या कह रहा हूँ मैं, शिला प्रभुपाद कब बॉर्न हुए थे, 1896 ही तो कितने साल हो गए, 1838 1896 क्या 58 ईयर्स कुछ। भक्तिवर ठाकुर उस टाइम लिविंग थे, भक्तिवर ठाकुर ने अपनी लीला विराम की 23 जून 1914, ही जस्ट एंडेड हिज पास्ट। शिला प्रभुपाद उस टाइम बच्चे ही थे, मतलब वो तो पैदा ही हुए थे 1896, 1914 पे प्रभुपाद की एज कितनी होगी, 14 और सॉरी 18 साल को, 18 साल, तो वो तो यंग ही थे, तो अभी तो भक्ति सिद्धांत से मिले भी नहीं थे, मतलब ही डिडंट नो कि भक्ति ठाकुर एग्जिस्ट करने इस प्लानट पे कुछ पता ही नहीं था। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से कब मिले थे, कौन सी एज में मिले थे, 22 ना, 22 ईयर्स, सो हाँ 1922 भक्ति ठाकुर के जाने के बाद 1922 पे मिले थे। सो भक्ति ठाकुर उससे पहले चले गए थे 1914। सो भक्ति ठाकुर आए, उनका नाम केदारनाथ दत्त रखा, उनके फादर का नाम था आई थिंक नाम था आनंद चंद्र दत्त, और उनकी मदर का नाम था जगत मोहिनी देवी दासी। क्वाइट रिच पीपल, अमीर लोग थे एटलीस्ट, तो एटलीस्ट उनकी मदर की साइड वेल्दी थे। भक्ति विनोद ठाकुर को बचपन से ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था फिलॉसफी में, एटलीस्ट 18-20 ईयर्स तक कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऑर्डिनरी चाइल्ड बट इंटेलिजेंट। मगर भक्ति विनोद ठाकुर की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, उनके फादर की डेथ हो गई, उनकी मदर तो वो थे और उनके एक भाई थे भक्तिवर ठाकुर के, सो भक्तिवर ठाकुर की बहन भी थी, सो उनके फादर नहीं रहे तो अकेले हो गए, तो वो अपनी मदर के साथ वो अपने नाना जी के घर चले गए। उनके नाना जी का नाम था काशी प्रसाद घोष, उनके अंकल, एक्चुअली उनके नाना जी का नाम काशी प्रसाद घोष था, उनके नाना के यहाँ गए। नाना जी उनके बहुत बड़े तांत्रिक थे, देवी के उपासक, और बहुत अमीर थे। भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म बाय द वे हुआ था उला ग्राम में, हम गए हैं वहाँ, उला ग्राम बीरनगर डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप अगर कलकत्ता जाओगे तो कलकत्ता में दो लाइनें चलती हैं ट्रेन की, एक है हावड़ा वाली लाइन, एक है सियालदा वाली, पता है इसको, पता होगा सियालदा, तो सियालदा वाली लाइन से आप कृष्णानगर की ट्रेन पकड़ोगे तो बीच में एक गाँव आएगा बीरनगर, आज ही भक्ति विनोद ठाकुर का घर है वहाँ पे, कुछ रेनोवेशन की गई है। बीरनगर में गांव है उला ग्राम, और ट्रेन से देख सकते हो आप, वहाँ सामने दिखाई देगा, वहाँ पे पैदा, मतलब पॉइंट ये कि भक्ति विनोद ठाकुर एक गांव में पैदा हुए, सिटी में भी उनका जन्म ही हुआ, क्वाइट वेल टू डू थे, मगर जब फादर चले गए, नाना जी के घर चले गए, तब भी ठीक थे, मगर नाना जी देवी के उपासक थे। जब उनके नाना जी जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, उनके नाना जी भी शरीर छोड़ने वाले थे, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया,
केदारनाथ दत्त, और उन्होंने कहा केदारनाथ जितना भी मैंने तंत्र किया अपनी पूरी लाइफ में, मुझे उससे अनुभव हो रहा है कि तुम बहुत बड़े वैष्णव बनने वाले हो. ही सेड दैट, उन्होंने प्रिडिक्शन की जबकि देवी के पास आके, और तुम बहुत बड़ा काम करोगे चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के लिए. उस टाइम तक केदारनाथ दत्त जो थे उनको पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या फिलॉसफी है और वैष्णव बनेंगे. ही डिडंट नो एनीथिंग, बट उन्होंने कहा प्रिडिक्शन है, डिड प्रिडिक्शन. बहुत अच्छे प्रिडिक्शन करने वाले भी थे उनके उनके नाना जी. तो वो चले गए, उनकी मदर अलग, वो बिल्कुल यंग उस टाइम 16-17 साल के, उनकी मदर हो गई, उनकी बहन हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई. उनकी मदर ने उनकी शादी करा दी. उनकी उनकी पहली वाइफ का नाम था श्यामनी देवी दासी, और उनकी शादी के बाद उनका पहला पुत्र हुआ, उनका नाम उन्होंने लिखा आनंद दत्त, का फर्स्ट बॉय फर्स्ट मैरिज से. बट उनकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गए. भक्तिमय ठाकुर खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे हैं, भक्तिमय ठाकुर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम लिखा है स्वलिखित जीवनी. उन्होंने खुद लिखा है 56 ईयर्स की एज तक, बर्थ से जो भी उन्होंने उन्होंने लाइफ लीड की लिखा. और उसमें वो लिख रहे हैं कि मैं बहुत टेंस्ड हो गया क्योंकि मेरे पे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. उनके नाना जी चले गए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स ने कॉन्फिस्केट कर ली, ले ली, कुछ लीगल इम्प्लीकेशन हो गई थी. तो बिल्कुल हैंड टू माउथ आ गए वो. उनकी मदर, उनकी वाइफ, उनकी बहन और उनकी दादी, वो भी थी, सारी फीमेल्स, और अकेले और यंग 16-17 साल के, इन्होंने मैं करूँ क्या, बहुत टेंशन में आ गए कैसे चलाएंगे. तो उनके एक अंकल थे, उनकी वाइफ के कज़न ब्रदर, उनका नाम था काशी प्रसाद घोष, वो आए. यहाँ से भक्ति विनोद ठाकुर की लाइफ चेंज हुई, टर्न लिया. ये काशी प्रसाद घोष जो थे वो बहुत बड़े न्यूज़ एडिटर थे, अपना न्यूज़पेपर चलाते थे. उनके न्यूज़पेपर का नाम था इंटेलेक्चुअल हिंदुइज्म. इंटरेस्टिंग नाम है, इंटेलेक्चुअल हिंदुइज्म, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत लोग बोलने वाले थे. और लाइक दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, स्पेशली बंगाली तो आज भी बहुत एजुकेटेड, सारे बंगाली एजुकेटेड अब वेरी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, स्पेशली जो ब्राह्मण कम्युनिटी है बंगाल में. तो काशी प्रसाद घोष जब आए तो उन्होंने देखा भक्ति विनोद केदारनाथ दत्त बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत टैलेंटेड. और केदारनाथ दत्त को वो उन्होंने उनकी मदर से कहा कि इसको आगे पढ़ाना चाहिए हमें, और वो उसको उनको कलकत्ता ले गए. यहाँ से भक्ति विनोद ठाकुर की लाइफ चेंज हो गई. कलकत्ता गए तो काशी प्रसाद घोष खुद न्यूज़ एडिटर, इतना बड़ा न्यूज़पेपर, तो उनके कॉन्टैक्ट बड़े बड़े लोगों के साथ थे. एक व्यक्ति तो तीन व्यक्तियों के साथ उनके कॉन्टैक्ट थे जिनके अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली इंग्लिश की, मॉडर्न इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, और राइटिंग की. उन्होंने कई किताबें लिखी तो उन्होंने राइटिंग की वहाँ से ट्रेनिंग ली, और फिर उसके बाद प्रीचिंग की ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे न्यूज़ एडिटर वाले आउटस्पोकन थे. तो तीन लोग थे जो बहुत फेमस उनकी लाइफ में आए, वो थे एक बंकिम चंद चैटर्जी, पता है ना, पता है कौन कौन है बंकिम चंद चैटर्जी, यू नो दैट, क्या कह रहे हो. तो या बंकिम चंद चटर्जी मीन्स आपका वंदे मातरम, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, ही वॉज एसोसिएटिंग विद हिम. मतलब मैं बता रहा हूँ इतने हाई फाई लोग पूरे इंडिया में जानने वाले, और वो उनके अंडर पढ़ रहे हैं. और एक थे आपके काशी प्रसाद वैद्यनाथ, सॉरी काशी प्रसाद विद्यासागर, और वो भी बहुत बड़ा सुपर चलाते थे, एंड बहुत बड़े पोएट थे, एक्चुअली पोएट थे, राइटर थे, उनकी उनसे राइटिंग सीखी. और तीसरे थे शिशिर कुमार घोष, कौन थे पता है, हाँ आनंद बाजार पत्रिका, आज भी आनंद बाजार, एक कुत्ता भी आता है आनंद बाजार पत्रिका गया है, नहीं हमें पूछो कुत्ता गया है भाऊ आनंद बाजार पत्रिका. सीरियसली इट वॉज वेरी फेमस. मतलब ये जो आपके जो पौंडीचेरी में कौन, अरविंदो, ही वॉज राइटर थे आनंद बाजार पत्रिका में एक पॉइंट पे, बट वो उन्होंने अपने नाम से नहीं लिखते थे, वो को पेन नेम से लिखते थे, आनंद अरविंदो घोष, अरविंदो अरविंदो. बाद में उनको पकड़ लिया था ब्रिटिशर्स ने कि लिख रहा है, तो वो जेल में डाल दिया था अरविंदो को, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. जेल में उन्होंने अपनी तपस्या की एंड ही बिकेम ग्रेट योगी. शिला प्रभुपाद ने बोला है कि अरविंदो वॉज अ मोस्ट जेन्युइन योगी कलयुग, सबसे जेन्युइन योगी अरविंदो था.
आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ो अरबिंदो की, ही वॉज क्वाइट जेन्युइन। सो एनी वे, सो आनंद बारा पत्रिका बहुत फेमस थी। शिशिर कुमार घोष के अंडर भक्ति विनोद ठाकुर पढ़े, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत टैलेंटेड हो गए, राइटिंग स्पीकिंग उनके हाथ में आ गई। कैलकाटा में और बड़े बड़े लोगों से मिलने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के दो बड़े भाई, उनसे भी उनके एसोसिएशन हुई और काफ़ी 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 नियर हो गए। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर बाद में जब उनको अपना गौड़िया मठ उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो जब उनको फॉरेन कंट्री जाना था तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके भाइयों से एडवाइस ली थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं जापान जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, यूरोप जाऊँ। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट किया था, उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट किया था, दे वर फ्रेंड्स, कि आप लोग कि यूरोप में तो वर्ल्ड वॉर टू हो रही है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, उस टाइम हिटलर है ये वो, तो आप ऐसे कीजिए आप अपने लोगों को लंदन भेजिए। तो भक्ति ठाकुर ने अपने लोगों को पहले लंदन भेजा, बाद में वो जर्मनी भी गए, हिटलर को गीता प्रेजेंट भी की है, मजे की बात है, हिटलर को गीता प्रेजेंट किया और फोटो भी है हमारे गौड़िया मठ सन्यासियों की और हिटलर की। आई डोंट नो कैसे पॉसिबल हुआ, बट हिटलर के पास हमारी गीता, ऑफकोर्स हिटलर का दिमाग कुछ हुआ नहीं उसको, बट ही गॉट अ गीता। सो पॉइंट, मेरा पॉइंट ये कि पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग की सोची, प्रोजेक्शन किया। भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने भी अपनी किताबें वेस्ट भेजी, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब हुआ बड़े बड़े कॉन्टैक्ट से, जो कृष्ण प्रसाद घोष की वजह से पॉसिबल हुए केदारनाथ की लाइफ में। इसलिए केदारनाथ ठाकुर की जो लाइफ में जब चेंज आया, वो काशी प्रसाद घोष उनकी लाइफ में आए, जब वो कैलकाटा शिफ्ट हुए तब वहाँ से उनकी लाइफ चेंज हो गई। और जैसे इन्होंने सब सीख ही लिया, कॉन्टैक्ट हो गए, बाय द टाइम बीइंग उनकी जो पहली वाइफ है श्यामला देवी दासी, उनकी डेथ हो गई और उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी उनकी वाइफ का नाम क्या है, किसी को पता है? एनीवे उनकी जो भी उनकी दूसरी वाइफ का नाम है भगवती देवी दासी, भक्ति सरस्वती ठाकुर की मदर। भगवती देवी दासी से भक्ति विनोद ठाकुर के 12 बच्चे हुए, एक तो पहले हो गया था आनंद दत्त, एक वो हो गया, 12 हुए, 12 में से 11 सन थे और एक डॉटर थी सौदामणि, उनकी डॉटर का नाम, ओके, बड़ी बहन का नाम। सो देखने में भक्ति विनोद ठाकुर ऑर्डनरी गृहस्थ नहीं, ऑर्डनरी गृहस्थ, 13-13 बच्चे, दो वाइफ्स, जॉब कर रहे हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल तो हो ही गए, कॉन्टैक्ट्स हो गए, तो उन्होंने ब्रिटिश राज में जॉब ले ली, उन्होंने लॉ किया, लॉ करके वो जज बन गए। भक्ति विनोद ठाकुर पहले इंडियन भक्ति थे जो ब्रिटिश राज में जज बने, इंडियंस को वो इतनी बड़ी पोस्ट नहीं देते क्योंकि ब्रिटिश का डिक्टम था कि डॉग्स एंड इंडियंस शुड रिमेन आउटसाइड, ये कुत्ते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर संभाव, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत इंटेलिजेंट थे कि वो जो केसेस ब्रिटिश लॉयर्स 3 महीने में करते थे वो 3 मिनट में ख़त्म कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही और वेरी वेल वेल कल्चर्ड, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको हायर किया तो वो जज बन गए और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक हो गई, उनको इतने 13-13 बच्चे और कैसे संभालेंगे वो। मगर लोग भक्ति विनोद ठाकुर को ज़्यादा पहचान नहीं पाए क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर एक ऑर्डनरी गृहस्थ जॉब कर रहे हैं, तो एज अ आचार्य इतना प्रोजेक्शन नहीं हो पाया भक्ति विनोद ठाकुर की लोगों के बीच में, क्योंकि यार ठीक है ऑर्डनरी व्यक्ति हैं, संभाल रहे हैं अपना सब कुछ कर रहे हैं। बट भक्ति विनोद, जब भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर किताबें लिखना शुरू की, किताबें तो सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने ऑर्डनरी नॉवल्स लिखी, सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी थी पोरियाडे, ऑर्डनरी लड़के लड़की की नॉवल थी, रोमांटिक नॉवल, इंटरेस्टिंग राइटर तो थे ही। अभी रविन्द्रनाथ टैगोर ये सारे प्रेम के गाने तो गाते ही थे, ये सब नहीं, यही था ना रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐशो ऐशो, पता नहीं क्या करते रहते हैं, नहीं यही है, है बंगाली है, ट्रेन तो सब्वे ट्रेन में रविन्द्रनाथ टैगोर ही चलते रहते। सो ही वॉज राइटिंग दैट काइंड ऑफ नॉवल्स। बट क्या हुआ फिर उनकी पोस्टिंग हो गई पुरी में, पहले बंगाल में थे ना, उनकी पोस्टिंग पुरी में, क्योंकि जगन्नाथपुरी टेम्पल हैंडल नहीं हो रहा था ब्रिटिश राज से, बड़ी प्रॉब्लम्स थी वहाँ, बड़े सारे तांत्रिक ये वो कुछ नहीं, तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का कहा हिंदू हैं ही, अब हिंदुओं को कंट्रोल करने के लिए हिंदू ही चाहिए,
तो ब्रिटिशर्स भी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा कि एक हिंदू चाहिए हमें हाई पोस्ट पे, क्योंकि हम कैसे लोगों को कंट्रोल करेंगे। तो भक्तिवान ठाकुर उसलिए भी ब्रिटिश राज में आ गए, बट ब्रिटिश राज में कई लोग एनवीएस भी थे भक्तिवान ठाकुर की, ऐसी बात नहीं है। तो एनीवे पुरी पहुँच गए, पुरी में उनको बुक्स मिली। पुरी में क्या हुआ, उनको चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अपर संप्रदाय बहुत देखी, चैतन्य महाप्रभु का बहुत नाम सुना, चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो आपके जो थे ना, आपके काशी प्रसाद घोष, इनको इंटरेस्ट था चैतन्य महाप्रभु में पर्सनली। उन्होंने किताबें लिखी थी चैतन्य महाप्रभु पे, क्योंकि राइटर तो थे ही। तो काशी प्रसाद घोष से भक्तिवान ठाकुर इंट्रोड्यूस हो गए थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो बताते रहते थे वैष्णविज्म, चैतन्य महाप्रभु। जब पुरी आए तो उनको थोड़ा टाइम भी मिला, फाइनेंशियली ठीक हो गए, पुरी से पहले बंगाल में भी टाइम मिला था। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ के तो देखूँ चैतन्य महाप्रभु की बुक्स। तो चैतन्य चरितमृता ली और उन्होंने पढ़ के देखा, तो भक्ति ठाकुर बहुत इन्फ्लुएंस हो गए, क्योंकि भक्तिवान ठाकुर ने उससे पहले काशी प्रसाद घोष और जब इंटेलेक्चुअल्स के कॉन्टैक्ट में आए, तो ये सब फिलोसफर्स तो थे ही, शिशिर कुमार घोष और बिंदो, तो इनका भी इंटरेस्ट फिलोसफी में आ गया था। तो उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, सात्रे, शोपेनहावर, मार्क्स, इंडियन फिलोसफी पढ़ी, न्याय व्यवस्था, सब कुछ पढ़ा इन्होंने, मगर सेटिस्फाइड नहीं थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भक्तिवान ठाकुर मायावादी बन चुके थे, तो मायावाद बहुत अपील कर रहा था उनको, एनी वाज सेइंग मायावाद परफेक्ट फिलोसफी है, हम ही भगवान है, निराकारी सब कुछ, पूरे कन्विंस थे वो कि ये परफेक्ट है, क्योंकि सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स मायावाद आउटलुक है, बाकी तो मायावाद है ही। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड। तो आप देख रहे हो कि भक्तिवान ठाकुर की लाइफ पढ़ोगे तो आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर नहीं आएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक 25-26 साल तक ऑर्डिनरी, मायावादी, पैसे कमा रहे हैं, 13 बच्चे, फैमिली संभाल रहे हैं, इधर उधर की रोमांटिक नॉवेल्स लिख रहे हैं, पार्टीज में जाते थे, बहुत खा लेते थे, पेट खराब हो जाता था उनका स्वीट्स खा खा कर, रियली में वो लिख रहे हैं कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लेता था तो पेट में दर्द होता था पूरी पूरी रात। और क्या है, ही वॉज ऑल, भक्तिवान ठाकुर ये भी कह रहे थे कि जब मैं अपने शीशे में लिखता था तो मैं बहुत अगली था, स्मार्ट नहीं था इतना, तो मुझे थोड़ा सा लगता था मैं स्मार्ट क्यों नहीं हूँ। इंटरेस्टिंग इनसाइट है, नहीं बिल्कुल ऑर्डनरी, कोई आचार्य नहीं लग रहे। सो उन्होंने सब अपने सुलेखित जीवन में लिखा है, टेंशन में रहते थे फैमिली कैसे चलेगी, 13-13 बच्चे, पैसे कैसे आएंगे। सो भक्ति साईं ठाकुर से पूछा था किसी ने गौड़िया मठ में कि भक्तिवान ठाकुर ने ऐसे ऑर्डनरी थे, ये तो कोई आचार्य तो लग नहीं रहे, बचपन से एक्स्ट्राऑर्डनरी होते हैं आचार्य। भक्ति साईं तो खुद बचपन से एक्स्ट्राऑर्डनरी, मतलब बचपन से ही वो जप कर रहे हैं 1,00,000 नाम, 7-8 साल से, मतलब आके नहीं हूँ इमेजिन। और पूरा नाम, मतलब उन्होंने वाव ली थी कि मैं नाम लूँगा 1,00,000 और फिर उसके बाद मैं अनऑफर्ड कुछ नहीं खाऊँगा, और उससे पहले कुछ पता नहीं खाना नहीं खाऊँगा, पता नहीं क्या कर रहे थे वो। भक्तिवान ठाकुर बहुत खुश थे और उन्होंने सारी 8-9 साल की उम्र में सारी किताबें पढ़ ली थी आचार्यों की, गोविंद लीला अमृत पढ़ ली, चंड सुंदर पढ़ ली, पता नहीं क्या क्या कर डाला, ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो भक्तिवान ठाकुर ने एक क्लब भी बनाया था अपना, और उन्होंने वाव ली थी कि हम सब ब्रह्मचारी रहेंगे, ऑफकोर्स कोई भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता भक्ति संहिता के, बट ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। उन्होंने बचपन में ही 9-10 साल की उम्र में सारी संस्कृत पढ़ ली थी अपने आप से, BHU में उनको यंग एज में ही, पता नहीं कितनी 15-16 एग्जैक्टली यंग एज में उनको HOD की पोजीशन दे रहे थे ये लोग, आई थिंक 18-19 साल में कुछ HOD पोजीशन BHU में, एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में, बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन गए। उन्होंने फिर एक लेक्चर दिया, उसमें HOD बैठा था एस्ट्रोलॉजी का, BHU का, और उसके सारे आइडियाज़ को काट दिया उसने, अपनी कुछ थ्योरी दी थी, एक एक करके सारे आइडिया काट दिया, इतना आधा वो टेंशन में आ गया कि उसकी टॉयलेट ही निकल गई बैठे बैठे, वहीं पे यूरिन टॉयलेट निकल गई, इतना एम्बेरस हुआ, फिर उसने पकड़ के गया इतना डर गया वो, क्योंकि भक्ति संध्या के काट का कोई सोल्यूशन ही नहीं था, ही वॉज सच इंटेलिजेंट मैन। तो ये आचार्य लगते हैं, भक्तिवान ठाकुर कहीं से आचार्य नहीं लगते। सो गौड़ीय मठ वालों ने पूछा कि भक्तिवान ठाकुर, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये तो ऑर्डनरी लिख रहे हैं, खुद भी लिख रहे हैं ऐसा ऐसा। भक्ति साईं ठाकुर ने कहा कि भगवान ने जानबूझ के उनकी लाइफ में ऐसा किया कि लोगों को लगे कि एक ऑर्डनरी आदमी भी परमहंस बन सकता है,
अगर मेरे जैसे लोग आ जाए तो किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि भक्ति से कुछ हो सकता है। बट एनीवे, ये कहने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर, मुझे लगता है भक्ति विनोद ठाकुर नारद मुनि की तरह ही है, क्योंकि नारद मुनि भी पहले दासी पुत्र, एक ऑर्डनरी, फिर जाके तपस्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद नारद मुनि बन रहे हैं। बट हमें पता है नारद मुनि तो इटर्नली लिबरेटेड सोल है, तो उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले ऑर्डनरी चल रहे हैं। तो जीवा गोस्वामी लिखते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनको बोलते हैं मूर्छित कषाय, मूर्छित कषाय होते हैं, भगवान जानबूझ के उनके उनका अपना स्वरूप और उनका जो मुक्त जो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म है वो छुपा देते हैं। माया ने नहीं छुपाया उनको, भगवान ने उनको छुपाया हुआ है, उनको खुद पता नहीं लगेगा कि वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भगवान उनको रिवील करते हैं कि दिया चाह रहे। इसको कहते हैं मूर्छित कषाय। वो लिबरेटेड सोल्स होते हैं मगर कंडीशन लगेंगे थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। जैसे महाप्रभु के लीला में, महाप्रभु ने जब अपनी लीला शुरू की, कीर्तन मंडली, कीर्तन लीला गया से आने के बाद श्री श्री श्रीवास ठाकुर के घर, उससे पहले गौरंग पार्षद सारे के सारे, किसी को पता ही नहीं था महाप्रभु भगवान है, निमाए समझते थे, कोई पहचान ही नहीं पाया। तो आप कहोगे वो तो पार्षद है, वो क्यों नहीं पहचान पाए, वो क्या माया में थे क्या? नहीं, भगवान ने खुद ने उनको उनको भुला रखा था कि वो नहीं पहचान पाए, माया से नहीं, भगवान की अपनी या योग माया कह लो शक्ति से कोई भुलाया हुआ था। ऐसे ही मूर्छित कषाय होते हैं। सो भक्तिवर ठाकुर ने फिर उसके बाद उनको कॉपी मिली, उन्होंने पढ़ा, महाप्रभु की पास फिलॉसफी बहुत इन्फ्लुएंसी है, उन्होंने भगवान से प्रे किया कि भगवान आप, महाप्रभु सबसे वो बेस्ट फिलोसोफर है और मुझे प्लीज़ उनमें फेथ दिलवाइए। तब से फिर वाउटर नहीं था। भक्तिवर ठाकुर ने उसके बाद अपना ये लिखा, दो किताबें लिखी, तत्व सूत्र, तीन लिखी, तत्व सूत्र, आमनाय सूत्र और तत्व विवेक, ये तीन किताबें लिखी। जब महाप्रभु की फिलॉसफी पढ़ी तो महाप्रभु की फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी जो उन्होंने पढ़ा होता सबको कंपेयर करके की तीन किताबें लिखी हैं, आमनाय सूत्र, तत्व सूत्र और तत्व विवेक, बहुत फेमस बुक्स हैं। इनफैक्ट ये तीनों के तीनों नाम उन्होंने मध्वाचार्य, मध्वा संप्रदाय में जो बुक्स हैं उनके नाम पर रखी हैं। मध्वा संप्रदाय में भी तत्व सूत्र है, तत्व विवेक है, आमनाय सूत्र है, आप जाके पढ़ो, आई थिंक जय तीर्थ और उनकी ग्लॉस 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 है उस पर। सो एग्जैक्टली उन्होंने नाम रखा, और उन तीन किताबों में उन्होंने सारी फिलोसफीज महाप्रभु की फिलोसफी से कंपेयर किया और महाप्रभु की फिलोसफी को टॉप मोस्ट रखा उन्होंने, प्रूफ किया उन्होंने उस किताब में। संस्कृत में तीनों किताबें, बंगाली में नहीं है, संस्कृत में किताब लिखने के लिए उन्होंने स्पेशल कैलकाटा में 6 महीने ट्रेनिंग ली थी। कॉन्टैक्ट्स तो थे ही इनके बड़े बड़े, लिखनी थी तो इन्होंने ट्रेनिंग ली थी 6 महीने कि मैं संस्कृत में लिखूंगा, तब जाके महाप्रभु की फिलॉसफी का इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। और बाकी सारे सिद्धांत तो संस्कृत में है, अभी बंगाली में लिख देंगे तो काट देंगे तो कोई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने कहा संस्कृत को संस्कृत से काटनी पड़ेगी, उसके लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली संस्कृत में लिखने की, एंड देन ही कुड राइट इन संस्कृत। इन तीनों किताबों को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिद्धांत रहे। उन्होंने कुछ तीन किताबों को क्लब करके गौड़िया मठ से तीनों किताबें साथ में पब्लिश होती हैं, चैतन्य बाग बाजार मठ से, सिद्धांत रहे नाम है कुछ उसका, ये नाम रखा। सो ये पहली किताब थी। अगर आप जानना चाहते हो सारी फिलोसफीज कंपैरिजन में गौड़िया मठ महाप्रभु की फिलॉसफी, तो ये तीन किताबें पढ़ सकते हैं। भक्तिवर ठाकुर ने उसके बाद किताबें लिखना बंद नहीं किया, उसके बाद तो किताबें किताबें आती रहीं। भक्तिवर ठाकुर ने एक किताब लिखी गौरंग स्मरण लीला, जिसका नाम उन्होंने इंग्लिश में लिखा लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स एंड मूवमेंट। क्या नाम है उसका, क्या है, लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु, हाँ, लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु इंग्लिश में उन्होंने लिखी फिर उसके बाद उसको, और इंग्लिश में लिख के किताब लिखे उन्होंने अमेरिका भेजी। फर्स्ट बुक, एक्चुअली फर्स्ट नहीं थी, उससे पहले भी उन्होंने किताब भेजी है यूरोप और अमेरिका 1890s में कुछ। अमेरिका में बहुत बड़ा एक एक एक्टिविस्ट थे और राइटर थे, आप गीता के पीछे भी उनका नाम आता है, रॉल्फ एमर्सन, पता है क्या है नाम, रॉल्फ वॉल्डन, हाँ रॉल्फ वॉल्डन एफ एमर्सन, उनको उन्होंने किताब भेजी थी 1880s में, 1880 में, और फिर 1890 में उन्होंने यूरोप भेजी थी।
बट फिर उन्होंने किताब लिखी लॉर्ड चैतन्य ने, लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, और ये किताब उन्होंने अमेरिका भेजी, और अमेरिका और कनाडा भेजी थी एक्चुअली, कनाडा और कनाडा में मॉन्ट्रियल में आज भी आप वो लाइब्रेरी है, मैं गया था मॉन्ट्रियल तो वहाँ लाइब्रेरी देखने गया था, वहाँ पे आज भी बुक पड़ी है, एक कॉपी पड़ी है। हाँ क्या कह रहे हो? सो इट वॉज देयर वन कॉपी। तो वहाँ से वेस्टर्न प्रीचिंग भक्तिवेन ठाकुर ने एनविजन किया कि महाप्रभु का मूवमेंट पूरे संसार में फैलेगा, उनकी 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 प्रिडिक्शन थी, और उनकी प्रिडिक्शन पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए। गौड़िया मठ कहते हैं उनकी प्रिडिक्शन पूरी करने के लिए भक्ति सिद्धांत आए, भक्त इस्कॉन कहते हैं उनकी प्रिडिक्शन पूरी करने के लिए श्रील प्रभुपाद है, उसमें फाइट चल रही है थोड़ी सी। गौड़िया मठ कहते हैं जो प्रिडिक्शन किया वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लिए, हम कहते हैं प्रिडिक्शन किया वो श्रील प्रभुपाद के लिए। बट क्या है, प्रिडिक्शन किसके लिए थी? दोनों के लिए थी। भी आर्मी में एक जनरल हो सकता है, आर्मी में जो दो जनरल भी हो सकते हैं, और दोनों जनरल ने अलग अलग फ्रंट पे फाइट की, एक ने इंडिया वॉर की और दूसरे ने वर्ल्ड वाइड किया, बस और कुछ नहीं है। सो भक्तिवेन ठाकुर ने उसके बाद कई किताबें लिखी हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब कौन सी भक्तिवेन ठाकुर की, कौन बताएगा? हाँ, जैव धर्म, और दूसरी है कृष्ण संहिता। दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन्होंने भक्तिवेन ठाकुर ने, उनके सर में दर्द हो गया था किताब लिखते हुए। भक्तिवेन ठाकुर जब जैव धर्म लिख रहे थे तो अपनी गैलरी में रोज रात शाम को घूमते थे 2 घंटा सोचने के लिए, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, और सर में दर्द हो जाता था उनके, उनको उनको दवाई लेनी पड़ती थी। इट वॉज हिज मेन बुक जैव धर्म, इसलिए गौड़िया मठ में सबसे पहली किताब जैव धर्म ही पढ़ाते हैं, आप जाओ पहले जैव धर्म पकड़ा देंगे आपको, क्योंकि जैव धर्म ऐसी बुक है, जैव धर्म ऐसी बुक है जिसमें भक्तिवेन ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सारा सिद्धांत बहुत इजी फॉर्म और डिस्कशन फॉर्म में प्रेजेंट किया है, बहुत इजी फॉर्म में, एक बच्चा भी समझ सकता है। दूसरी किताब उन्होंने चैतन्य शिक्षा अमृत, जिसमें उन्होंने वेस्ट और इंडिया को जोड़ा, जो वेस्टर्न व्यूज हैं और जो इंडियन व्यूज हैं, मतलब उन दोनों को वो साथ में लेके आए, अमेरिका और इंडिया को, कि वहाँ की संस्कृति और हमारी संस्कृति कैसे साथ में जुड़ सकती है, वो चैतन्य शिक्षा अमृत है। और वर्णाश्रम धर्म, बेसिकली चैतन्य शिक्षा अमृत वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत कुछ डिफाइंड है। भक्तिवेन ठाकुर ने चैतन्य शिक्षा अमृत में लिखा है कैसे पूरे वर्ल्ड को हम चैतन्य महाप्रभु के फिलॉसफी में ला सकते हैं वर्णाश्रम के द्वारा, वो चैतन्य शिक्षा अमृत। कृष्ण संहिता लिखी, ये सारी उनकी मेन मेन बुक्स हैं। कृष्ण संहिता जो कि थोड़ी स्ट्रेंज बुक है, जिसमें भक्तिवेन ठाकुर ने अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं जो हम नहीं मानते जो कि फनी चीज़ें हैं, बट वो बेसिकली डिज़ाइन थी वेस्ट को प्रीचिंग करने के लिए, बस इतना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप बिलीव नहीं कर सकते और ना बिलीव करनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने बोला है श्रीधर स्वामी ने कुछ चीज़ें गलत लिखी हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करनी पड़ेगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है, इसलिए कौन कह रहा था मुझे, आई थिंक महाराज सी बात हो रही थी, एक बार मैं कुछ कोट कर रहा था भक्तिवेन ठाकुर चैतन्य शिक्षा अमृत से डिस्कशन हो रही है, तो महाराज कह रहे थे वेल एक पता नहीं एक स्कॉलर है तो वो कह रहे थे कि देखो भक्तिवेन ठाकुर की बुक्स बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बिलीव नहीं कर सकते उनकी बुक्स में हालांकि आचार्य हैं, इंटरेस्टिंग है नहीं, आचार्य के तो हर स्टेटमेंट आप एज अ क्या कहते हैं गोल्डन रूल लोगे, नहीं भक्तिवेन ठाकुर के केस में नहीं है। भक्तिवेन ठाकुर ही एक ऐसे आचार्य हैं जिनकी सारी बातें आप नहीं मान सकते हिस्ट्री में ना मधुआ ना कोई, और इनफैक्ट दूसरे आचार्य हैं आई थिंक गोपाल, जिनकी आप हरि भक्ति विलास में सारी की बातें नहीं मान सकते आप। उन्होंने भी कई चीज़ें लिखी हैं हरि भक्ति विलास में जो कि स्मार्ता ब्राह्मण्स के लिए लिखी हैं, इसलिए भक्तिवेन ठाकुर ने कहा कि उन्होंने भक्तिवेन ठाकुर ने बोला है कि हरि भक्ति विलास पढ़ के कोई भी व्यक्ति वैष्णव नहीं बन सकता, जबकि हमारी मेन बुक है वैष्णव सदाचार की, क्योंकि बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उसमें, गणेश की पूजा करनी है, शिवरात्रि मनानी है, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी की किताब, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी की किताब से कन्फ्यूजन ना हो, सनातन गोस्वामी ने कमेंट्री लिखी
भी वैष्णव लोग कमेंट्री के साथ पढ़ें, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी को लिखनी पड़ी हरिभक्ति विलास, क्योंकि स्मार्त ब्राह्मण को बहुत होल्ड था, आज भी होल्ड है, और वो लोग मर्डर करने से डरते नहीं थे, क्योंकि विश्वामित्र चक्रवर्ती ठाकुर को भी मर्डर करने की कोशिश की उन्होंने, वो तो बच गए राजा रानी की कृपा से। सो बट दैट वॉज अ सीन, तो उन्होंने की ऐसा जो भी किया, वॉट एवर इट इज। सो भक्तिमान ठाकुर एक ऐसे आचार्य हैं जिनकी सारी की बातें आप नहीं मान सकते। कृष्ण संहिता स्पेसिफिकली बुक आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, और भी बुक्स हैं थोड़ा सा एक किसी डिवोटी के अंडर रह के पढ़नी होती है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एक प्रॉपर परस्पेक्टिव में नहीं समझ पाएंगे हम चीज़ें। भक्तिमान ठाकुर ने, क्योंकि भक्तिमान ठाकुर ने एकादश भाव लिखे हैं हरिनाम चिंतामणि में, एकादश भाव समझते हो कि हमें भजन करते करते ये सोचना चाहिए हम कौन सी मंजरी हैं, हमारा रूप क्या, हमारी ड्रेस क्या, भक्तिमान ठाकुर ने लिखा है। और जितने भी राधाकुंड बाबा जी हैं कहते हैं देखो भक्तिमान ठाकुर ने लिखा है, आप क्यों नहीं मान रहे, आप क्या चाह रहे हैं ना, उन्होंने लिखा रहे चिंतामणि में कि एकादश भाव होते हैं, सोचना चाहिए मैं कौन सी मंजरी हूँ, क्या मेरी ड्रेस है, मेरे फादर कौन है ब्रज में, और इस तरह से भजन करना चाहिए। व्हाट डू डू विद दैट, भजन रहस्य में उन्होंने लिखा है कि जब करते वक्त गोविंद लीला अमृत के अकॉर्डिंग जो अष्टकाली लीला उस पर स्मरण करना चाहिए। सो राधाकुंड बाबा जी कहते हैं कि हम लोग रियल फॉलोअर हैं भक्तिमान ठाकुर के, रियली में। बट और भक्ति सन्यास ठाकुर बेटा है जो है उनका, उन्होंने उनको रिजेक्ट करके उनसे डिबेट हो गए, दैट्स व्हाट देयर कंट्रोवर्सी चल रही है। भक्ति सन्यास ने कहा कि ये सब जो उन्होंने लिखा है ये सब हम इसको प्रयोजन मानते हैं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ भक्तिमान ठाकुर की बुक्स को समझना बहुत मुश्किल है, इंटरप्रेट करना मुश्किल है, इसलिए बहुत बड़ी गाइडेंस में पढ़ना होता है। सो भक्तिमान ठाकुर एक यूनिक आचार्य है हिस्ट्री में, ऑर्डनरी लग रहे हैं, उसके बाद किताबें उन्होंने लिखी हैं प्रीचिंग के लिए, ऐसा लगता है डिविएटेड किताबें हैं, स्पेशली कृष्ण संहिता कोई मानेगा ही नहीं। सो बट भक्ति सन्यास ठाकुर को पूरा फेथ था भक्तिमान ठाकुर पे, वो क्योंकि भक्ति सन्यास खुद स्कॉलर थे और उनको नज़र आ रहा था कि मिस्टेक्स हैं, ये भी मज़े की बात है। क्योंकि भक्तिमान ठाकुर एक कैलेंडर यूज़ करते थे, बंगाली कैलेंडर, क्या नाम था, पंजिका था, पंजिका ही कहते हैं कैलेंडर को, तो वहाँ सब कोई पंजिका, नाम भूल गया मैं उसका, नागरी पंजिका कुछ था, नदिया, हाँ तो नदिया पंजिका था कोई। और भक्तिमान ठाकुर खुद एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने देखा पंजिका, उन्होंने कहा ये तो गलत ही है, और कह रहे हैं भक्तिमान ठाकुर यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बाद में कहा अपने, तो भक्तिमान ठाकुर जब चले गए तो भक्तिमान ठाकुर की जो व्यास पूजा बनाते थे, तो 1914 के बाद जो गौड़िया मैगजीन पब्लिश होती है उसमें भक्तिमान ठाकुर की व्यास पूजा भी पब्लिश होती थी, जो भक्तिमान ठाकुर हर साल करते थे। तो उन्होंने बोला व्यास पूजा में कि मुझे पता था वो जो कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, बट फिर भी मैंने भक्तिमान ठाकुर को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मेरे बाबा नहीं हैं, वो आचार्य हैं, और जो वो करेंगे मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो पूरे जीवन वो गलत कैलेंडर यूज़ करते रहे, इसको कहते हैं आचार्य निष्ठा, समझ रहे हो। बल्कि भक्तिमान ठाकुर के जो भाई थे बड़े भाई ललित प्रसाद, ललित प्रसाद भक्तिमान ठाकुर को बाबा कहते थे, भक्ति संता कहते थे उन्होंने, एक्चुअली भक्ति संत ठाकुर जब भक्तिमान ठाकुर चले गए तो भक्ति संत ठाकुर ने लेटर लिखा ललित प्रसाद को, क्योंकि ललित प्रसाद राधाकुंड चले गए, वो अपना भजन कर रहे हैं, भक्तिमान ठाकुर ने कहा प्रीचिंग करो, कुछ अलग सिद्धांत भी प्रीचिंग करने लगे, भक्ति ने लेकर लिखा कि तुम्हारे बारे में मुझे भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले ही बता दिया था, और वैसे भी तुम तो भक्ति विनोद ठाकुर को बाबा मानते हो, और जो भक्ति विनोद ठाकुर को बाबा मानेगा उसके जीवन भजन में बाधा आएगी, और फिर बाधा आएगी तो राधा नहीं आएगी। वही उनके एल्डर ब्रदर थे, मगर उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने लिखा कि तुम भक्तिमान ठाकुर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम रूप कविराज के अवतार हो, रूप कविराज जो कि हेमलता ठाकुरानी के, रूप कविराज बहुत बड़े क्या कहते हैं उसको, कहते हैं डिविएटेड, क्या कहें डिबेट को, कहते कहेंगे हिंदी में डिबेटेड को हिंदी में कहते हैं है? हाँ, रूप कविराज श्रीनिवास आचार्य के टाइम, हेमलता ठाकुर के टाइम, पथभ्रष्ट गौड़िया वैष्णव,
सोकल्ड आचार्य थे। रूप का विराज हेमलता ठाकुर आने के टाइम बहुत बड़े आचार्य बन गए थे, और इतनी मोटी बुक लिखी है, उसका नाम है गौड़िया वैष्णव सिद्धांत। मैंने पढ़ी हुई इतनी मोटी बुक संस्कृत में, लाइब्रेरी में थी तो मुझे मिल गई थी बाई चांस दिल्ली में लाइब्रेरी, कलकत्ता लाइब्रेरी थी शायद, तो वहाँ मुझे मिल गई। मैंने कहा ये क्या कर रही रूप का विराज की बुक, तो वहाँ मैंने शाम तक बैठ के पढ़ी वो, एंड ब्यूटिफुल फिलॉसफी। आप पता ही नहीं लगा पाओगे गलत फिलॉसफी है, आप नहीं पता लगा सकते। करोड़ों प्रमाण, एक्सट्रीमली स्कॉलरली, मतलब जीवा गोस्वामी के इनकारनेशन लगते हैं अगर वैसे पढ़ लो आप तो। ही वॉज वेरी फेमस, पूरी गौड़िया वैष्णव कम्युनिटी रूप का विराज के टाइम उनकी मुट्ठी में थी, बट डिविएटेड, गलत सिद्धांत। और हेमलता ठाकुरानी पहचान गई गलत सिद्धांत है, वो अब श्रीनिवास आचार्य की बेटी है, स्कॉलर तो है ही, इनको पता लग गया गलत प्रीचिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर रूप का विराज को सबके सामने कंठी तोड़ फाड़ के भगा दिया, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया कम्युनिटी से। तो बंगाल में भी सारे डिवोटीज का समर्थन था कि ये पागल हो चुका है, उन्होंने सबने पढ़ा, उन्होंने कहा तो गलत हो गया इनका, सो ही जस्ट गेट हिम आउट, सो रिजेक्ट कर दिया। फिर वो बाद में कहते हैं कि वो उड़ीसा चला गया, उड़ीसा में उसको कोड हो गया, फिर मर गया था वो ऑफेंस की वजह से। भक्तिवेदांत ठाकुर ने लिखा ललित प्रसाद को कि तुम, भक्तिवेदांत ठाकुर ने पहले ही बता दिया था कि तुम रूप का विराज के अवतार हो और तुम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को बर्बाद करने आए हो, ललित प्रसाद को इस तरह लिखा। इंटरेस्टिंग, ही रोट दैट पर्सनली, सो दे वर लाइक, ललित प्रसाद के छोटे भाई, उन्होंने कहा पागल हो गया विमल प्रसाद, इसे बात नहीं करूँगा जो भी है। सो मैं क्यों बता रहा था वैसे भक्तिवेदांत ठाकुर के रिलेशनशिप में, नहीं तो एनीवे कहाँ से कहाँ गाड़ी चली गई। हाँ, कह रहे थे कि भक्तिवेदांत ठाकुर ने, हाँ क्योंकि ललित प्रसाद ने फिर आर्ग्यूमेंट लिखा, दोबारा लेटर लिखा भक्तिवेदांत को कि तुम भक्तिवेदांत ठाकुर की बात नहीं मान रहे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हरिराम चिंतामणि में एकादश भाव, उन्होंने भजन रहस्यमय अष्टकाली लय स्मरण रखा है, मैं कर रहा हूँ जो भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं तुम कर रहे हो, तुमने तो अपने आइडियाज निकाल रखे हैं कि ये सब प्रयोजन है, ये सब गोल है, अभी प्रैक्टिस नहीं करनी, ये नहीं करना, ये सब क्या नॉनसेंस है, पूजाला रागपत गौरव भंगे कहाँ से ले आए हो तुम। ही वॉज देवर वेरी क्रिटिकल, देव काफ़ी लेटर पे लेटर जा रहा था, दैट थिंग हैपेंड। सो यू सी द पॉइंट, भक्तिवेदांत ठाकुर का खुद का बेटा नहीं समझ पाया कि उनके वर्क्स क्या हैं, इतना इतनी डाउटफुल, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना उनकी टीचिंग्स को। जो भी किया उन्होंने प्रीचिंग के लिए किया, जैसा भी जो भी था जरूरत थी, ही डिड दैट, बट भक्ति शांता एक्चुअली समझ गए कि वो क्या कर रहे थे। और क्यों भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर ने कई बार क्या कहते हैं जो बंगाल में होता है प्रहरी तो लीला कीर्तन कई बार अरेंज करा है अपने घर में ही। लीला कीर्तन समझते हो, जो जितने भी जो जो ढोंगी लोग नहीं होते बंगाल में, आपस संप्रदाय वाले जो राधा राधे राधे और गाते रहते हैं अलग अलग ट्यून में, और गोविंद लीला अमृत से गाने का वो करा रहे थे भक्तिवेदांत ठाकुर। तो लोग समझ रहे थे यार ये तो समर्थन ही करते हैं हमारा, भक्ति शांता भी थे उस टाइम, उन्होंने देखा और वो समझ गए कि इसे प्रीचिंग के लिए कर रहे हैं, इनका आइडिया नहीं है। इनफैक्ट भक्तिवेदांत ठाकुर के एक फ्रेंड थे, वो बाद में भक्ति शांता ठाकुर से मिले और भक्तिवेदांत ठाकुर को कहा कि देखो तुम्हारे बाबा तो मेरे फ्रेंड थे और मैं उनसे, और तुम तो थे ही फंक्शन से, मैं भी आता था तो सपोर्ट करते थे लीला कीर्तन को, तुम क्यों नहीं करते सपोर्ट, तुम तो कहते हो सहजियाँ हैं सब, बहुत क्रिटिकल हो। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने उनसे कहा कि तुमने कभी भक्तिवेदांत ठाकुर को ना देखा है ना मिले हो, तो कहते हैं तुम्हारे सामने बैठे 10-10 घंटे तो बात होती थी उनसे, तो उन्होंने कहा तुम अंधे हो, तुमने केदारनाथ दत्त को देखा है मगर भक्तिवेदांत ठाकुर को नहीं देखा, ही सेड दैट। सो आई थिंक पूरे ब्रह्मांड में भक्तिवेदांत ठाकुर को एक ही व्यक्ति समझ पाया, भक्ति सिद्धांत, और पूरे ब्रह्मांड में भक्ति सिद्धांत को एक ही व्यक्ति समझ पाया श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने खुद ने कहा है, मजाक नहीं कर रहा मैं, हालांकि भक्तिवेदांत ठाकुर के अलग अलग डिसाइपल थे, केशव प्रज्ञा महाराज, भक्ति शेष महाराज वेरी एग्जॉल्टेड और महान थे, मगर प्रभुपाद जब कलकत्ता आए फौरन से प्रीचिंग करके, तो प्रभुपाद ने बोला अपने डिसाइपल से कि शायद भक्ति सिद्धांत के काम को, सारे वर्क्स को मैं ही समझ पाया और कोई समझ नहीं पाया, शायद ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा शायद भक्ति शांता ठाकुर ने सारी किताबें सारे लेक्चर मेरे लिए दिए थे, ही सेड दैट। तो सो दैट वॉज भक्तिवेदांत ठाकुर। आचार्यों को समझने के लिए भी आपको खुद आचार्य ही बनना पड़ेगा, जैसे चोर चोर को पहचानता है,
आचार्य आचार्य को ही पहचानते हैं, वरना नहीं कोई पहचान सकता, वरना आपको, तभी तो कृष्णा कह रहे हैं आचार्य माम विजानीयाम न मन्यते करिचित न मरते बुद्धि स्यात्। कभी भी आचार्य को ऑर्डनरी आदमी ना समझो, बट ट्रेजेडी ये कि जब आचार्य जीरे होते हैं तो उनको कोई आचार्य मानता नहीं, वो मरने के बाद, मरना तो अच्छा वर्ड नहीं है, लीला विराम करने के बाद लोग जानते हैं उनको आचार्य, एक्सेप्ट फ्यू। रामानुजाचार्य तो अपने टाइम ही भी कहें आचार्य, रामानुजाचार्य मध्वा भी ऐसे ही हो गए थे, वॉज एक्सेप्टेड, रामानुजाचार्य तो पूरे एक्सेप्ट हो गए थे, श्रील प्रभुपाद भी अपने लिविंग होते ही आचार्य एक्सेप्ट हुए, जनरली बाकी जितने भी आचार्य हैं तो चले जाते हैं तो धीरे धीरे पता लगता है, उनके वर्क्स पढ़ते हैं, ऐसे होता है, चीज़ें होती हैं। सो ये भक्तिवर ठाकुर की लाइफ है, भक्तिवर ठाकुर की लाइफ में आपको पता होगा बहुत सारे तांत्रिक आए, योगी आए, ऐसे वो नहीं था भिषा किशन योगी जिसको भक्तिवर ठाकुर ने हराया था, सो उसको कन्वर्ट किया, सो इट इज मैनी थिंग्स, बट बेसिकली भक्तिवर ठाकुर की कंट्रीब्यूशन की बुक्स हैं। और भक्ति साईं ठाकुर ने इसलिए कोई किताब नहीं लिखी, कुछ कमेंट्री ज़रूर लिखी है चैतन्य भागवत पे, चैतन्य चरितमृता पे, ऐसा सच उन्होंने बहुत सारी बुक्स नहीं लिखी, भक्तिवर ठाकुर ने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। भक्ति साईं ठाकुर ने टिप्स पे क्या लिखा है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे कमेंट्री है, ब्रह्म संहिता पे कमेंट्री है, चैतन्य भागवत पे कमेंट्री है, चैतन्य चरितमृता पे कमेंट्री है, श्रीमद् भागवतम पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन टाइप से लिखा है उन्होंने, कमेंट्री ने ट्रांसलेशन टाइप से लिखा है थोड़ा सा, और क्या है उपाख्यान, हाँ उपाख्यान वो तो स्टोरीज हैं, वो तो चलो बस इतना ही है, एक दो और होगा और क्या, बाकी तो उन्होंने लेक्चर्स दिए। भक्ति साईं ठाकुर का पूरा लाइफ का एम था भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स को पॉपुलराइज करना, बस उनसे पूछा भी था आप बुक्स के लिए, उन्होंने कहा भक्ति विनोद ठाकुर लिख के गए हैं, मेरा फंक्शन है उनकी बुक्स को पॉपुलराइज करना, उनकी बुक्स को आगे बढ़ाना, इसलिए भक्ति साईं ठाकुर ने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की और उन बुक्स को प्रिंट किया और उसको गौड़िया मठ से, आज भी गौड़िया मठ भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत सारी बुक्स को पब्लिश करता है और उसको पॉपुलराइज किया, उसकी प्रीचिंग की। सो दैट वॉज भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ, केदारनाथ दत्त उनका नाम था। हरे कृष्ण, आई थिंक आई एंड अप हियर, कुछ पूछना कुछ कहना है, फिनिश हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर वेरी पावरफुल आचार्य, कुछ भी कह लो, भक्तिवर ठाकुर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के सॉन्ग्स हैं गीतावली, कल्याण कल्पतरु, शरणागति, उनके सॉन्ग्स ही तो गाते हैं हम इस्कॉन में, सब उन्हीं के तो सॉन्ग्स हैं मेन मेन, उनके सॉन्ग्स उनकी मेन कंट्रीब्यूशन है, उनके सॉन्ग्स ही पूरे बंगाल में लोग गाने लगे और चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट ऑफ फिलोसफी दोबारा से, क्योंकि सॉन्ग्स जल्दी जल्दी फेमस हो जाते हैं ना, हैं बुक्स तो कम होती हैं, सॉन्ग्स सब गाने तो पूरे बंगाल में भक्तिवर ठाकुर के फिर सॉन्ग सब गा रहे हैं, आज भी गा रहे हैं लोग सॉन्ग्स उन्हीं के, और उससे धीरे 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 सही फिलॉसफी आ गई इस तरह से। भक्तिवर ठाकुर, भक्तिवर ठाकुर ने मेजर काम जो किया है वो अपर संप्रदायों के अगेंस्ट लिखा है, 13 अपर संप्रदाय थी, उनको अलग अलग गाँव में जाके उन 13 अपर संप्रदायों को देखा उन्होंने, उनके अगेंस्ट लिखा, कंपाइल की बुक, इट वॉज वेरी एक्टिव अगेंस्ट अपर संप्रदाय, बहुत अगेंस्ट थे, इसलिए भक्तिवर ठाकुर विमल प्रसाद की संत से बहुत खुश थे, कि भक्ति साईं ठाकुर समझ के पैदा होते ही कि भक्तिवर ठाकुर का एम है आपा संप्रदाय को डिस्ट्रॉय करना, ही वॉज बॉर्न एनिमी ऑफ सहजियाज्म, और आपा संप्रदाय हुआ तो बचपन से ऐसे थे, इतने ज़्यादा अगेंस्ट थे सहजियों आपा संप्रदाय के और कास्ट गोस्वामी के, कि भक्तिवर ठाकुर के गुरु को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, भक्तिवर ठाकुर के गुरु विपिन बिहारी, भक्ति साईं ने कहा एक्चुअली भक्ति विपिन बिहारी गोस्वामी आए भक्तिवर ठाकुर के पास और भक्तिवर ठाकुर के सर पे पैर रखा, उनका आशीर्वाद दिया, भक्तिवर ठाकुर ने कहा मैं डिसाइपल हूँ, भक्ति साईं तब 5 साल के तो उन्होंने देख लिया, और जब भक्तिवर ठाकुर गए तो उन्होंने वो आए उन्होंने विपिन बिहारी को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भक्तिवर ठाकुर पे पैर रखने की, उन्होंने कहा 5 साल का बच्चा मुझे कह रहे पागल है, तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं कौन है ये महाप्रभु के पार्षद हैं और तुम एक ऑर्डिनरी जीव हो, उन्होंने उन्होंने भक्तिवर ठाकुर को बुलाया, उन्होंने कहा पागल हो गया तुम्हारा बच्चा, तो हमने तो डांटा उनको कि विमल प्रसाद ऐसा मत करो, जब वो चले गए तो भक्तिवर ठाकुर ने आके कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझे पहचान गए, ही वॉज वेरी हैप्पी लाइक।
ओके सो कुछ पूछना है कुछ कहना है लैंड ऑफ भक्तियों ठाकुर की जय। भक्तियों ठाकुर टाइटल मिला था उनको, केदारनाथ नाथ दत्त नाम है। ठाकुर टाइटल तो ब्रिटिशर्स ने दिया था, ठाकुर भक्तियों ठाकुर बाद में वैष्णव कम्युनिटी ने उनको टाइटल दिया, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे उनको टाइटल मिला था। ओके कुछ पूछना कुछ कहना है तो पूछ सकते। भक्तियों ठाकुर ब्रह्मचारी रहना चाहते थे ऑफ कोर्स, वो छोड़ के भी चले गए थे अपना घर, वो कहते वृंदावन जाके मैं संन्यास लूँगा। तो जब छोड़ के गए तो बंगाल में एक मंदिर था शिव मंदिर, वहाँ पर रात को सोए तो शिव जी का सपना आया, शिव जी आए सपने में, उन्होंने कहा भक्ति केदारनाथ कहाँ जा रहे हो तुम, तुमसे तो अभी महाप्रभु का बहुत ज़्यादा काम करना है तुम्हें तो, और तुम कहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी बन के बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, वापस जाओ और विवाह करो। एंड देन ही मैरिड, उन्होंने कहा और हमें हमारा प्लान है तुम्हारे लिए बहुत कुछ, अदरवाइज ही वॉन्टेड टू बिकम, मतलब कौन अच्छा डिवोटी ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहेगा, किसी का स्क्रू ढीला हुआ जो शादी करना चाहेगा भक्ति में आने के बाद, मतलब इनफैक्ट ही हैज टू बी रियली इनसेन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्रह्मचारी बनने का शादी करता है तो इसका मतलब है वो दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरे टाइम बोलता जा रहा है शरीर नहीं हो शरीर नहीं हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ऑफिस शादी कर ले, कुछ स्क्रू ढीला होना चाहिए उसका मेरे अकॉर्डिंग, और लोगों का ओपिनियन कुछ और है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्या कहते हो? नहीं मुझे मुझे लगता है ऐसा कि ढोंगी ब्रह्मचारी एक अच्छे ग्रह से बेटर है क्या कहते हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसके सुधरने की चांस है, गृहस्थ में गए तो यू टर्न नहीं है वापस, तो फंस गए आप, फिर वापस नहीं आ सकते, आपके 25 साल गए, बच्चा पैदा तो होगा ही 25 साल का, उसको बड़ा करने में टी टी पी पी चू चू ची ची जो भी है करेंगे ही करेंगे, सो यू आर फिनिश्ड। ओके कुछ पूछना कुछ कहना है? दैट्स वन थिंग। हाँ अरे मैं बताना भूल गया, आचार्य को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक पूर्ववर्ती आचार्य एक वर्तमान आचार्य। पूर्ववर्ती आचार्य जो होते हैं, मतलब तो हाउ डू यू डिफाइन पूर्ववर्ती कौन है वर्तमान कौन है, तो पूर्ववर्ती आचार्य वो होते हैं, वर्तमान आचार्य वो होते हैं जो आज की सोसाइटी में कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में आते हैं, जो आज के समाज में प्रकट होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम से मॉडर्न सोसाइटी शुरू हो गई थी, ब्रिटिश राज शुरू हो गया, वेस्टर्नाइजेशन शुरू हो गई थी और आज तक कंटिन्यू हो रही है वेस्टर्नाइजेशन। सो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत और शिला प्रभुपाद वर्तमान आचार्य हैं जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लड़ना सिखाया। उनसे पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं थी इंडिया में, नहीं, तो इसलिए जो पूर्ववर्ती आचार्य वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे मायावाद से, क्योंकि मायावाद एनिमी था उस टाइम, शंकरा ये सब घूम रहे थे, तो इसलिए जीवा को समय कह रहे हैं। जो वर्तमान आचार्य हैं उनकी टीचिंग्स में हमें ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि वर्तमान प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पुरानी प्रॉब्लम से, इसलिए जो लोग भक्ति विनोद जो लोग इसलिए जीवा को समय लिख रहे हैं, जो वर्तमान आचार्यों को छोड़ के सीधा पूर्ववर्ती आचार्यों के पास जाते हैं ना, उनकी प्रीचिंग इफेक्टिव रहेगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट प्रॉब्लम को डील नहीं कर रहे और प्रेजेंट जो शास्त्रों को प्रेजेंट प्रॉब्लम की लाइट से देख नहीं रहे। तभी तो शिला प्रभुपाद की कमेंट्रीज में आपको भागवत की कमेंट्रीज में मिलेगा पेट्रोल, बैंकिंग सिस्टम, गोल्ड। अब जितने भी वृंदावन के गोस्वामी क्रिटिसाइज करते हैं प्रभुपाद, ये क्या लिख रहे हैं कमेंट्री में भागवत और रसिक, प्रतिपतम भागवतम, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो रसिक कमेंट्री लिखी है, जीव गोस्वामी ने लिखा है सब कुछ, देखो कर्म संदर्भ लिखा है कितना अच्छा, ये प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं इसमें। बट वही बात है ना, वर्तमान आचार्य को इसलिए भागवत के श्लोकों को वो आज की प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख पा रहे, श्रील प्रभुपाद देख पा रहे, तो इसलिए हमेशा किसी भी संप्रदाय में वर्तमान आचार्यों की टीचिंग्स फॉलो करनी चाहिए। अगर वर्तमान आचार्यों की शिक्षाएं पूर्ववर्ती आचार्यों से विरोध करती हैं तो पूर्ववर्ती आचार्यों को छोड़ देना चाहिए, ये विजडम है, ये विजडम है। तो कुछ चीज़ें हैं
जो हम छोड़ देते हैं। जैसे विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने कमेंट्रीज लिखी हैं रासलीला पे, और उसे कमेंट्री लिखी है, बट प्रभुपाद ने इंक्लूड नहीं किए वो पॉइंट्स अपनी कमेंट्री में। रसिक पॉइंट्स, फिलोसफिकल पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं भागवतम में, और गीता कमेंट्री तो है ही, मगर रसिक पॉइंट्स प्रभुपाद ने टैक्टिकली हटा दी। और इसमें भी बहुत बवाल है कि प्रभुपाद ने रसिक पॉइंट्स हटा दिए, वही तो जान है भागवत की, तो सारे वृंदावन वाले सीधा विष्णु ठाकुर की कमेंट्री उठा के पढ़ते हैं। ये अब रस आएगा नहीं, इस कौन में भी अब आ रहा है कुछ डिवोटीज, नहीं रस लेना चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है। प्रभुपाद ने ज़्यादा कमेंट नहीं किया इसमें। गौड़िया मठ वाले भी कहते हैं देखो प्रभुपाद ने तो एक लेवल पे दिया है, बट वो भी चीज़ें हैं तो आपको रस नहीं आएगा। तो ठीक है रस आना चाहिए, मगर दूसरा पॉइंट भी है, रस ज़्यादा पी लो तो लूज मोशन हो जाते हैं समझे, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो जहाँ रस आता है फिर रस पिलाने वाली भी आती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद ने हटाया, प्रभुपाद वर्तमान आचार्य हैं, क्यों हटाया, दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं प्रभुपाद ने हटा नहीं लिखा, प्रभुपाद ने क्यों नहीं लिखा, तभी वर्तमान पूर्ववर्ती आचार्यों की बात आएगी ना। अब प्रभुपाद ने लिख रहे तो हमें वर्तमान आचार्य के बारे में सोचना पड़ेगा क्यों नहीं लिखा। प्रभुपाद ने मेंशन किया है क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद हायर टॉपिक्स पे जाओ। हायर टॉपिक्स पे अभी चले जाओगे रस वस के चक्कर में तो रसिया बन जाओगे और कहीं से कहानी चली जाएगी तुम्हारी कहीं और। सो देयर वाज अ लॉजिक। प्रभुपाद ने कभी मना नहीं किया प्रीवियस आचार्यस की बुक्स ना पढ़ो, पर प्रभुपाद ने कॉशन से पढ़ो और पहले प्रभुपाद की टीचिंग्स से बेस क्लियर कर लें। प्रभुपाद क्लियर है इस बात मामले में, ऐसा थोड़े ना मना कर रहे हैं, वॉज नॉट अ फूलिश पर्सन, और वर्तमान आचार्य। सो ये इसलिए वर्तमान आचार्यों पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों को हम वर्तमान आचार्य की दृष्टि से देखते हैं। आप वृंदावन जाओ 90% लोग डिविएटेड हैं, हमारे डिवोटीज भी वृंदावन जाते ही खराब हो जाते हैं, सीधा आचार्यों की बुक्स पढ़ रहे हैं, टीटीपी कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में, कहते हैं बेसिक्स है, बेसिक्स नहीं है वो फाउंडेशन है, वो जिसको बेसिक कह रहे हैं ना बीसीडी, हम कह रहे हैं फाउंडेशन है, फाउंडेशन वीक रह जाएगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। और मुझे लगता है कि जो नियोफाइट्स हैं वो पढ़ते हैं रसिक कमेंट्री, कनिष्ठ हैं जो एडवांस हो जाते हैं ना 40-50 साल बाद, वो इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो ये समझ लो भाई, चाहे राधा रानी का रस मिले ना मिले ये मत भूल जाना, हम शरीर नहीं आत्मा है, भोग नहीं करना, मंगल आरती उठना है, इसी पॉइंट पे आ जाओगे देखना जब लात पड़ेगी ना माया की, ओके भैया यही है सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी तो सब ठीक है, ऑर्नामेंटेशन है वो चलता है। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। सो हर संप्रदाय में वर्तमान आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य, हर संप्रदाय में वर्तमान आचार्य की टीचिंग पढ़ना ज़्यादा बेटर है। जैसे मध्वा संप्रदाय में व्यासा तीर्थ वाडीराज उनकी पढ़ोगे बेटर है, आप सीधा जय तीर्थ मध्वा की पढ़ोगे कुछ भी पता नहीं लगेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलता रहेगा। ऐसे ही रामानुज संप्रदाय में वेदांत देशिका लोकल्लाचार्य सीधा रामानुजा पराशर भट्ट या और भी कंटेम्प्रेरी हैं तो बेटर है वो। ओके एनीवे सो दैट्स आइडिया। फिनिश आचार्य का परिभाषा क्या? वैसे तो महाप्रभु कह रहे हैं जय आचार प्रचार, जय दुई आचार प्रचार करे सही आचार्य, जो आचार और प्रचार करता है दोनों वो आचार्य है, ये जनरल सेंस है। इस एंगल में तो सभी आचार्य हो गए, सभी आचार कर रहे हैं, वही प्रचार कर रहे हैं वही आचार कर रहे हैं, ये महाप्रभु ने जनरल लेवल में कहा है। बट अगर स्पेसिफिक लेवल में आचार्य के बारे में आए तो आचार्य वो व्यक्ति है जो संप्रदाय को एक पुश देता है, बस वो आचार्य एक नया जीवन, एक पुश डिफरेंट लेवल पे ले जाएगा, या संप्रदाय को मोड़ भी सकता है, वो किसी और डायरेक्शन में मोड़ सकता है आचार्य से, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। इसलिए आचार्य को जनरली जब आचार्य आते हैं तो उनको डिबेटेड समझते हैं लोग, जब भक्ति शांता है तो उनको डिबेटेड ही समझ रहे थे सारे भक्तों ठाकुर के डिसाइपल,
जब शीला प्रभुपाद है तो गौड़िया मठ डिबेटेड समझ रहा था. सो इसलिए आचार्य कोई बनता नहीं, आचार्य सेल्फ एजेंट होता है, क्योंकि बनने की कोशिश करेंगे विरोध तो होगा ही, भगवान साथ में नहीं होंगे तो या तो मर्डर होगा. जितने भी और संप्रदाय में लोगों ने आचार्य बनने की कोशिश किया तो मर्डर हो गया, क्रिश्चियनिटी में क्रूसीफाई कर दिया उनको पकड़ के, और आपका हाँ इस्लाम में कई आचार्य घोषित हुए अपने आप को, उनका खून हो गया, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे. मगर सेल्फ एफलजेंट आचार्य वो सस्टेन कर जाते हैं, क्योंकि भगवान है ना उनके साथ, सो ये आचार्य है, इसको आचार्य कहते हैं. तो टाइटल इस्तेमाल करना चाह रहे वो अलग है, असली में आचार्य बनना वो अलग है. पता है मुझे, मगर वो आचार्य नहीं है. क्योंकि आचार्य होते ऐसे घोषित थोड़े ना होते आचार्य, आचार्य तो रेवोल्यूशन ला के आता है, लोग अपने आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे. ये कोई भी संप्रदाय नीचे जाएगी कुछ होगा तो एक आचार्य आएगा और लोग अपने आप समर्थन देना शुरू कर देंगे उसको, और वो एक नया रुख ले आएगा संप्रदाय में. अनाउंस कुछ होता ही नहीं आचार्य, अगर अनाउंस करने की नौबत आ रही है इसका आचार्य नहीं है, तो है ही नहीं. होल पॉइंट ओके. सो कुछ कहने अदरवाइज विल एंड ऑफ या भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक समय पे आके भक्तियों ठाकुर के खिलाफ हो गए थे. कब हुए थे? कंट्रोवर्सी हो गया था, मतलब यूज नॉट अग्रीइंग विथ हिज यू नो उनके जो भक्तिनाथ ठाकुर के जैसे कि एक पिचिंग स्ट्रेटजी उनका होता था कि थोड़ा स्वीट सॉफ्ट. हाँ वो नहीं कर रहे थे भक्तिनाथ ठाकुर. हाँ लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने बिल्कुल एक नया डायरेक्शन अपनाया. हाँ कंट्रोवर्सी हुआ था. भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि तभी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही समझूं भक्तिनाथ ठाकुर को, कोई नहीं समझा. और जो वो कर रहे थे वो टीचिंग के लिए कर रहे थे, मुझे पता है लीला गान कीर्तन कृष्ण समेता ये सब जो भी है कथज भाव, बट ही डिडंट मीन दैट. और भक्तिनाथ ठाकुर ने ये भी कहा कि मुझसे ज़्यादा भक्तिनाथ ठाकुर कोई जानता भी नहीं, ये सबसे ज़्यादा एसोसिएशन तो विमल प्रसाद ने लिया बचपन से. और भक्तिनाथ ठाकुर ने जानबूझ के भक्ति संतों को अपने साथ रखा बचपन से, प्रीचिंग टूर्स में लेके जाते थे और किसी भी बच्चे को नहीं लेके जाते थे, क्योंकि उन्हीं को पर्सनली ट्रेन कर रहे थे, अपनी बुक्स एडिट करने में भक्ति संत को रखा था. सो उन्होंने कहा मैं ही जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है. सो जो भी कर मुझे उन्होंने बताया कि वो एक्सटर्नली कर रहे थे. कंट्रोवर्सी तो खड़ी हुई बट ठीक है. ओके प्रसाद रेडी है, अब क्या कर रहे हैं हम? अच्छा नहीं ठीक है चलो. शीला भक्ति विनोद ठाकुर की